ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 24 दिसंबर 2020, थर्सडे है, सुबह के 8:28 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है और हफ्ते का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो काफ़ी वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। मंडे के धमाके के बाद हमने दो दिन एक रिकवरी बाउंस बैक आते हुए देखा है, 20 EMA का अच्छा सपोर्ट लिया है डेली चार्ट में। तो अभी ये जो इंडियन मार्केट्स नए हाईस क्रिएट कर रहे थे, तभी इंडिया में ऐसा कोई कुछ भी निगेटिव नहीं देखने को मिल रहा था कि जिससे मार्केट, ये फॉल हमें मंडे का जो फॉल देखने मिला है ये हमें देखने को मिले। लेकिन मंडे को जैसे ही ये न्यूज आ रही थी कि यूरोप में फिर से कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे ही लॉकडाउन का जो इनिशियल फेज था, पहले एयरपोर्ट बनना, फ्लाइट्स बैन करना, फिर कंट्री टू कंट्री जो गेट्स है बॉर्डर के पास वो बंद कर देना, वो फिर से यूरोप में स्टार्ट हो गया। और जैसे यूरोप के मार्केट्स शुरू हुए मंडे के दिन, उसी तरह उसका रिएक्शन भी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला। तो अभी ये जो रिकवरी है, यहाँ से बाउंस बैक जो दिखा रहा है, क्या ये कंटिन्यू होगा और लॉन्ग पोजीशन बनाना सही साबित होगा या नहीं, क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 23 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,572 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 13,383। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ इन दोनों लेवल्स के बीच में और काफ़ी एक चौपी नेस में चौपी मार्केट देखने को मिला था। ऊपर की तरफ लगातार बढ़ रहा था 20 EMA का सपोर्ट लेके, और ऊपर की तरफ जैसे ही बढ़ रहा था, लास्ट कुछ आर्स बचे थे, 1 आर बचा था, तभी ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 13,597 और सेकेंड टारगेट 13,622 एग्जैक्ट यहाँ पर अचीव हुआ। कल का टॉप भी अगर देखें तो ऑलमोस्ट 13,619 का टॉप है, तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल कल भी साबित हुए। कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ, स्टिमुलस पैकेज का वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ US में। यूरोपियन मार्केट्स देखिए तो जैसे कोरोना वायरस के केसेस लगातार वहाँ पर बढ़ रहे, लास्ट 2 मंथ से अगर आप यूरोपियन मार्केट्स का चार्ट देखें तो एक साइडवेज पैटर्न में, एक बोरिंग फेज में ये यूरोपियन मार्केट्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। एशियाई मार्केट देखें तो आज लगभग सभी एशियाई बाजार हरे निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर भी देखें तो 74 पॉइंट की अच्छी खासी बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। अगर इसे कैंडलस्टिक के चार्ट में अगर डाउ फ्यूचर को देखें तो ये जो हैमर कैंडलस्टिक बना हुआ है, इसके हाई और लो के बीच में ही अभी ये ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ पर भी साइडवेज पैटर्न अभी देखने को मिल रहा है। ये जो मंडे का फॉल यहाँ पर देखने को मिला था, हालांकि स्टिमुलस पैकेज US में अनाउंस होने के बाद ये जो गिरावट थी ये फिर से रिकवर बाउंस बैक होती हुई नजर आई थी। तो आज इंडियन मार्केट्स में निफ्टी में क्या होगा ये देखते हैं। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में जैसे कि आप हमें कई वीडियो से अगर फॉलो कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया है, तो इसका 13,072% का ये जो लेवल है, यहाँ पर ही ऑलमोस्ट इसी के आसपास इसने सपोर्ट टेस्ट करके फिर से एक बार बाउंस बैक रिकवरी की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दी है। तो अगर यहाँ से अगर लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो जो ऑल टाइम हाई अभी लगाया है 13,777, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर पाता है आर्ली चार्ट में तो ही लॉन्ग पोजीशन बनाए। अदरवाइज अभी भी इम्पैक्ट जो है, ये बियरिशनेस का इम्पैक्ट जो कैंडल बना था मंडे का,
डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं, ये जो मंडे का कैंडल बना था इसका इम्पैक्ट अभी भी यहाँ पर है, ऐसा हम कह सकते हैं जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो जैसे हमने पास्ट में भी ऐसी काफ़ी लॉन्ग रेड कैंडल्स देखी है, तो ये रेड कैंडल्स आने के बाद आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स ने बिहेव किया था। ये देखिए, ये जो कैंडल है रेड कैंडल और ये रेड कैंडल, ये 500 पॉइंट्स की गिरावट थी, ये 400 पॉइंट्स की गिरावट थी। उसके बाद नेक्स्ट 2-3 डेज एक बाउंस बैक, एक रिकवरी देखने को मिली और उसके बाद फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया। 20 EMA का सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर 50 EMA का सपोर्ट कर लेने की कोशिश की। यहाँ पर भी सेम उसी तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो जब तक रेड कैंडल का हाई कंफर्टेबली ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। हो सकता है यहाँ से आज भी एक हमें सरप्राइज मूव देखने को मिले, लेकिन जब तक हाई क्लोज नहीं होता तब तक लॉन्ग पोजीशन बनाना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो ये डेली और वीकली चार्ट को देखा, कल हमने 2 आवरली चार्ट में राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन को देखा था, इस तरह से राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला। और जैसे ही ये जो नेक लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया तो ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स लगातार हमें अपसाइड मूव करते हुए देखा था, और ये जो हर्डल्स थे बीच में मूविंग एवरेजेस के शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, इनको भी ब्रेक करते हुए निफ्टी इंडेक्स लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। तो अभी अगर और ऊपर जाता है तो ये जो रेड कैंडल है 2 आवरली चार्ट में, ये जो ज़बरदस्त रेड कैंडल दिख रहा है इसका, ये जो हाई है 13,680 के पास, यहाँ पर निफ्टी एक हर्डल फेस कर सकता है। कल का ये जोन था पास्ट में, यहाँ पर ये जो जोन बन रहा था इसका ये जो लेवल था ये इसने ब्रेक कर दिया, और अगर ऊपर की तरफ और बढ़ता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हर्डल साबित हो सकता है। ये जो लेवल है, ये लेवल यहाँ पर आके निफ्टी इंडेक्स एक हर्डल फेस कर सकता है। अगर इसको ये ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो और भी निफ्टी इंडेक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पर आके ये हर्डल फेस करके फिर से 20 EMA का, ये जो 20 EMA का लाइन है पिंक लाइन, यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करने आ सकता है। तो ये 2 आवरली डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो है। चलते 60 मिनट के चार्ट में, आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स ये जो लेवल है यहाँ पर 13,622, कल के हाई के जस्ट ऊपर, जहाँ पर इसने पास्ट में सपोर्ट टेस्ट किया था, मार्केट ओपन होते ही सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ। तो जो सपोर्ट का काम करता है वो आगे जाके फ्यूचर में रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो 13,622 के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,639, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 13,659, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स में अभी इस वक्त एशियाई बाजार दिख रहे हैं, अगर गैप अप ओपन होता है तो इन दोनों लेवल्स के ऊपर नेक्स्ट हर्डल है पिवट पॉइंट का R1 का लेवल। तो R1 के लेवल के ऊपर 13,669 के ऊपर अगर सस्टेन होता है गैप अप ओपन होने के बाद, तभी तभी सिर्फ हम बाय पोजिशन बना सकते हैं, और उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,686, ये हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा अगर गैप अप ओपन होता है और R1 लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तभी। अदरवाइज फिर से जब ये ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करेगा नीचे आकर, तभी एंट्री लेना यहाँ पर काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। और टूवर्ड साउथ की तरफ अगर जब आता है तो कल का जो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था, यानी ऑलमोस्ट इस जोन के पास 13,570 कर देते, 570 के लेवल के नीचे अगर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,550, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये ब्लू लाइन जो कि 50 EMA को प्रेजेंट कर रहा है, यानी 13,527, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।